जय श्री जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिषिंग में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और आज मैं आपके लिए राशिफल लेके आई हूँ। स्टार्ट करेंगे 12 राशि को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वालों, आपकी स्वास्थ्य, धन संपत्ति, परिवार, प्रेम व्यवसाय, वैवाहिक जीवन सबके बारे में बात करेंगे। तो मेष राशि वालों, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा, धन संपत्ति भी आपके पास बनी रहेगी, पैसा आएगा जाएगा, काम होता रहेगा। परिवार में आपको थोड़ा सा सुख जो है थोड़ा कमतर हो सकता है, किसी से झगड़ा हो सकता है बिना बात के, उसको आपको संभाल लेना है। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, व्यवसाय जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। कुल मिला के मुझे लग रहा है आपका दिन अच्छा है, बेहतरीन है। केसरिया पीला रंग आपके लिए शुभ है, 3 नंबर आपके लकी है। क्या कर सकते हैं, आपको नीम और तुलसी के पौधे घर में लगाने से या आसपास किसी गमले में लगाकर उसकी सेवा करना आपके लिए अवश्य लाभप्रद रहेगा। नेक्स्ट नंबर रहते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाला, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन संपदा के मामले में भी अच्छा रहेगा, लेकिन परिवार के मामले में थोड़ा सा कटुता आ सकती है और आपके किसी बात पे हाय तवा बच सकती है, उसको आपको देखना है। प्रेम संबंध में आपके थोड़ी सी दिक्कत है और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इतना नहीं है, बैलेंस है। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में कभी कभी हम हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तनाव ले लेते हैं, या तो हम ले लेते हैं, सामने वाला दिला देता है, तो उससे बचना है। व्यवसाय आपका ठीक ठाक रहेगा, कुल मिला के इतना खराब नहीं है, ठीक ठीक दिन है। सिल्वर सफेद रंग आपके लिए शुभ है, 2 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। और आपको क्या करना है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को अगर आप ध्यान देते हैं, जैसे आपके घर के आसपास कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उसका ध्यान दीजिएगा। अब भी घर में हो उनका ध्यान दीजिएगा। मिथुन राशि वालों, आपका कैसा दिन रहेगा, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, धन संपत्ति अच्छी रहेगी, परिवार का सुख आपको है, प्रेम भी आपका अच्छा है, लेकिन व्यवसाय में थोड़ी सी दिक्कत है, और शादीशुदा जिंदगी भी आपकी ठीक ठाक ही रहेगी। कुल मिला के शादीशुदा और प्रेम की जो जिंदगी है उसमें आपको मिला जुला रूप लेगा। लाल मरून रंग आपके लिए शुभ है, 9 नंबर आपके लिए लकी है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि भगवान श्री सूर्य नारायण को यदि आप जल चढ़ाएंगे, अर्घ्य देंगे, ओम नमो गायत्री, मतलब ये जो गायत्री मंत्र होते हैं इसका, यह सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद रहेगा। 14 नंबर पे हमारे पास आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, उतार चढ़ाव के साथ। धन संपत्ति भी आपके पास उतार चढ़ाव के साथ ही बनी रहेगी, बहुत ज़्यादा लाभ भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध आपके बहुत मधुर रहेंगे, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, लवमेट के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन में तो कहाँ जाएंगे, तो फ़ोन पर ही लंबी लंबी बातें करेंगे। व्यवसाय आपका ठीक ठाक रहेगा। तो आपको भूरा स्लेटी रंग आपके लिए शुभ है, 4 नंबर आपके लकी रहेगा। आपको क्या करना है, भगवान श्री गणपति महाराज का थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आपका स्वास्थ्य उत्तम है, बढ़िया है, एकदम एनर्जी फील करेंगे, वैसे भी आपका आत्मविश्वास हमेशा बना ही रहता है। धन संपत्ति के मामले में थोड़ी सी हानि हो सकती है आपको, लेकिन परिवार का संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। प्रेम संबंध में थोड़ी कटुता आ सकती है, किसी बात पर आपकी तू मैं या बहस हो सकती है, किसी बात को लेकर उदासी हो सकती है। व्यवसाय आपका अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, बना रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा तनाव दिख रहा है। सिल्वर और सफेद रंग आपके लिए शुभ है, 2 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। आपको करना क्या है, सूर्य की जितनी भी चीज़ें हैं उनका दान कर सकते हैं, जैसे गुड़ है, लाल मिर्च है, गेहूं है, दलिया है, इससे आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट नंबर बात है कन्या राशि। कन्या राशि वाला, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा, धन संपत्ति आपके पास बनी रहेगी, परिवार में सुख मिले रहेगा, प्रेम संबंध आपके ठीक ठाक रहेंगे, बहुत अच्छे भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, व्यवसाय में भी ऐसा ही है, तो बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, ठीक ठाक ही रहेगा, और वैवाहिक जीवन में आपका अच्छा रहेगा, नो डाउट। पत्नी के साथ या पति के साथ आपकी थोड़े से मनमुटाव तो होते ही हैं, क्योंकि आप कन्या राशि के हैं, कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हैं वो कन्या राशि होती है, बहुत ज़बरदस्त परेशान, और धनुराशि। मेरे पास आज तक जितने भी लोग आते हैं उसमें 99% मैं आपको श्योर गारंटी से, अगर मैं डाटा लिखती नहीं हूँ किसी का ऐसे, लेकिन मेरे पास प्रिया, प्रियंका, पूजा, पूनम, प्रकाश, पंकज, इस नाम से सबसे ज़्यादा पाक्षर की तो भरमार है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूर्व में आपके लिए शुभ रंग है लाल और मरून, 9 नंबर आपके लकी रहेगा। और आपको श्री नारायण का थोड़ा सा पाठ पूजा पाठ कर लेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आपको फायदा होगा। तुला राशि वालों की बात करेंगे, सास में आपके उतार चढ़ाव है, धन संपत्ति बनी रहेगी, परिवार आपका सुखद संबंध रहेंगे, प्रेम संबंध भी आपके ठीक ठाक ही रहेंगे थोड़े उतार चढ़ाव के साथ। व्यवसाय आपका बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। पर केसरिया पीला रंग आपके लिए शुभ है, 3 नंबर आपके लिए लकी है। आपको क्या करना है,
रुद्राक्षी माला पे आपको अगर आप नारायण का नाम जपेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, ये आपको लाभ देगा। और वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, हो सकता है आपको थोड़ा जुखाम बुखार हो जाए या थोड़ा सा आप लो फील करें। धन संपत्ति के मामले में अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, पैसा आएगा, जाएगा, काम होता रहेगा, परिवार के साथ भी आपके अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे, प्रेम संबंध अच्छा है, व्यवसाय भी अच्छा है और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा है, कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य में ही दिक्कत दिखाई दे रही है, वो भी क्यों, क्योंकि आप हाइपरटेंशन खुद ही हो जाते हैं। हरा फिरोजी रंग आपके लिए लकी है, 5 नंबर आपको इसलिए शुभ रहेगा और आपको क्या करना है, सफ़ेद कपड़े पहनने से आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं धनुराशि। धनुराशि वाला आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन संपत्ति आपके बनी रहेगी, परिवार का संबंध आपका अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेम और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है। और मैंने बोला ही पहले कि मैंने वर्ष धनुराशि को और जो कन्या राशि है उसको बहुत परेशान देखा है हमेशा। व्यवसाय जीवन आपका अच्छा रहेगा और कुल मिला के आपका दिन अच्छा अच्छा। प्रेम संबंध में थोड़ी दिक्कत है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कत है, बाकी तो ठीक ही ठाक है। पैसा आएगा, काम होता रहेगा, धन संपत्ति भी आपकी ठीक ठाक ही रहेगी। तो ये था धनुराशि वालों का जो राशिफल है। धनुराशि वालों आपके लिए 2 नंबर लकी रहेगा और लक्ष्मी जी की 40 आरती करने से आपको फायदा होगा, लाल कपड़े पहनने से भी आपको फायदा होगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक ठाक। धन संपत्ति के मामले में आपको दुखी हो सकते हैं, परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे बुरे दोनों मिक्सअप रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे। प्रेम संबंध आपका थोड़ा बहुत ठीक भी रह सकता है, थोड़ा बहुत ठीक भी नहीं भी रहेगा, यानी खटास के साथ होगा, बहुत मीठा भी नहीं खट्टा भी नहीं, बैलेंस रहेगा। व्यवसाय में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और वैवाहिक जीवन में भी आपको ऐसा ही है। शनि की राशि है तो थोड़ा ध्यान रखने की बात है, थोड़ा आपको सिल्वर और सफ़ेद रंग का पहनिए, 2 नंबर आपके लिए शुभ रहेगा। शनिदेव की पूजा कीजिए, ओम शुभ शनि शय नमः का जाप कीजिए। मकर राशि शनि की राशि होती है तो आपको ध्यान देना है और देवी दुर्गा की पूजा करिए, शनिदेव की पूजा करिए, निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट नंबर आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाला स्वास्थ्य आपका उत्तम नहीं रहेगा, उतार चढ़ाव आपके साथ रहेगा। धन संपत्ति के मामले में आप लकी रहेंगे, पैसा आएगा, जगह काम होता रहेगा, परिवार के साथ आपकी कम बनेगी, मतलब बहुत अच्छा नहीं काम बनेगा परिवार। और प्रेम संबंध आपका अच्छा है, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा है, लेकिन व्यवसाय में थोड़ी सी अड़चन आ सकती है। और बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी सोच समझ के किसी पेपर पर डील पर साइन नहीं करना है। वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, घर पर ही बैठे हैं, फिर भी हाय हाय तो मैं मत कीजिएगा घर में। आपको क्या करना है, 8 नंबर आपके लिए लकी है, काला नीला रंग आपके लिए शुभ है। आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा आप दान कर सकते हैं, पूजा पाठ पुण्य कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे आती है मीन राशि। मीन राशि वालों आपका दिन अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के मामले में, धन संपत्ति के मामले भी अच्छा है, परिवार में थोड़ा सा खटास हो सकती है, किसी बात को लेके चिड़चिड़ हो सकती है आपकी। प्रेम संबंध में भी उतार और चढ़ाव है, व्यवसाय में भी थोड़ी सी दिक्कत है और वैवाहिक जीवन भी आपका थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ बना हुआ है। गुलाबी रंग आपके लिए शुभ है, 6 नंबर आपके लिए लकी है, अगर कुत्तों की सेवा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये था 12 राशि वालों का राशिफल। उम्मीद है कि आपको राशिफल अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आज।